नमस्ते गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ओप दास। तो गाइज, आज हम करने वाले हैं इन दोनों फोन के बीच बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट। इससे पहले गाइज चार्जिंग टेस्ट भी हम किए थे, चार्जिंग टेस्ट, स्पीड टेस्ट, वो सभी के वीडियोज के लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वो सभी वीडियोज भी देख सकते हो। फिलहाल आज देखेंगे कौन सा फोन का बैटरी ज्यादा टाइम तक चलता है। हालांकि गाइज आपको जो वन प्लस 7T है उसके अंदर आपको 200mAh कम बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, 3800mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है वन प्लस 7T में, जबकि आपको Realme का जो X2 Pro है इसके अंदर आपको 4000mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले और एक छोटी सी बात गाइज, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर से प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं अगर कोई सा भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइज मैं इस चैनल पर कोई सा भी फेक वीडियोज नहीं बनाता, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर सकते हो, ये एकदम फ्री आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों ही फोन में 100% चार्ज है एंड मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि आज आप देख पा रहे हो दोनों ही फोन में 100% चार्ज है, आई होप कि आप देख पा रहे हो। ओके, तो अब सबसे पहले गाइज आधे घंटे का YouTube प्लेबैक करते हैं। दोनों ही फोन गाइज सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। Why did Seema stop driving? Because she can finally do. What makes everything great? Order online on Zomato and get it delivered home. Hey guys, कैसे हो आप सब? तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं Realme की तरफ से फ्लैगशिप Realme X2 Pro एंड OnePlus 7T के बीच। गाइस, और एक बात गाइस, मेरे कैमरे में हाइपरलैप का ऑप्शन नहीं है, तो मैं 15 मिनट बाद वापस आता हूं एंड देखता हूं कि कौन से फोन में कितना परसेंट चार्ज रहता है। तो जैसे गाइस आप देख पा रहे हो 15 मिनट खत्म हो गया है एंड आपको मैं दिखा देता हूं जो हमारा OnePlus 7T है वो गाइस आप देख सकते हो 97% चार्ज हो गया है एंड इस साइड में जो हमारा Realme का X2 Pro है वो गाइस आप देख सकते हो अभी भी गाइस 100% ही चार्ज इस पे मौजूद है। तो अब गाइस इसके अंदर एक घंटे तक कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं एंड देखते हैं, उसके बाद आते हैं वापस, देखते हैं कौन से फ़ोन में कितना परसेंट चार्ज रहता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एक घंटा खत्म हो गया है एंड हमारा जो वन प्लस 7T है उसमें देख लेते हैं कि कितना परसेंट चार्ज मौजूद है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एक घंटा हो गया है एंड हमारा जो वन प्लस 7T है इसमें आप देख सकते हो गाइज जो मतलब कि 73% अभी तक चार्ज मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो गाइज। ओके, अब देख लेते हैं जो हमारा Realme X2 Pro है उसमें कितने परसेंट चार्ज मौजूद है। तो आप देख सकते हो गाइज Realme X2 Pro में अभी तक 78% चार्ज मौजूद है। देखते हैं गाइज और एक घंटा गेम खेल लेते हैं, देखते हैं उसके बाद कितने परसेंट चार्ज रहता है। तो फाइनली जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 घंटा 13 मिनट हो गया है एंड चलिए देख लेते हैं जो वन प्लस 7T है वो आप देख सकते हो गाइज उसमें सिर्फ 48% ही चार्ज मौजूद है एंड देख लेते हैं उसके बाद जो Realme X2 Pro है उसमें कितना परसेंट चार्ज है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा Realme का X2 Pro है उसके अंदर सिर्फ 52% का इस चार्ज मौजूद है, आप देख सकते हो जो Realme का X2 Pro है उसके अंदर। तो देखते हैं बस और एक घंटे PUBG खेल के कौन से फोन में कितने परसेंट चार्ज रहता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 3 घंटा हो गया है एंड वन प्लस 7T में सिर्फ बचा है, आपको मैं दिखा देता हूँ 35% चार्ज। जैसे कि गाइज आप देख पा रहे हो ये देखिए यहाँ पर 35% एंड गाइज जो हमारा Realme का X2 Pro है उसमें देख लेते हैं कितना परसेंट चार्ज बचा हुआ है।
तो जैसे गाइज आप देख सकते हो एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया है, जो हमारा रियलमी का X2 Pro है उसके अंदर गाइज सिर्फ आपको 33% चार्ज ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि गाइज OnePlus 17 ने चार्ज को काफी ज्यादा सेव किया है रियलमी X2 Pro से, जब पहले कम चार्ज था 3 घंटे बाद वो ज्यादा हो गया है। अब गाइज और 1 घंटे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं एंड देखते हैं 4 घंटे बाद कितने परसेंट चार्ज रहता है। तो जैसे गाइज आप देख पा रहे हो 4 घंटे खत्म हो गया है एंड देख लेते हैं जो हमारा OnePlus 70 है उसमें कितने परसेंट चार्ज मौजूद है। तो जैसे गाइज आप देख पा रहे हो सिर्फ गाइज 13% चार्ज मौजूद है हमारे OnePlus 70 में, और देख लेते हैं Realme X2 Pro में कितने परसेंट चार्ज मौजूद है। तो Realme X2 Pro में भी गाइज सिर्फ 13% ही चार्ज मौजूद है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। तो गाइस अब फोन जब तक स्विच ऑफ नहीं होता है तब तक यूट्यूब वीडियो चलाते हैं एंड देखते हैं कौन सा फोन कितने टाइम तक रन करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4 hours एंड 30 minutes खत्म हो गया है एंड देख लेते हैं हमारे OnePlus में कितने परसेंट चार्ज मौजूद है। तो जैसे कि आप देख सकते हो OnePlus में 10% चार्ज मौजूद है एंड देख लेते हैं जो हमारा Realme का X2 Pro है उसमें कितने परसेंट चार्ज रह गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो रिजल्ट बिल्कुल सेम है, आपको Realme X2 Pro में भी 10% चार्ज देखने को मिल रहा है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं और कितने घंटे चार्ज रहता है, फिर से YouTube वीडियोस को रन करा देता हूं मैं। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो 4 घंटा 51 मिनट हो गया है एंड देखते हैं हमारा जो OnePlus है इसमें कितने परसेंट चार्ज मौजूद है। तो जैसे गाइस आप देख पा रहे हो आई होप OnePlus 70 में आपको 7% चार्ज अभी तक मौजूद है। बट गाइस एक चीज़ आपको बता दूँ, इसका जो बैटरी है ये हमारे Realme X2 Pro से थोड़ा सा छोटा है, 200 mAh, इसके अंदर आपको 3800 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जबकि आपको Realme X2 Pro में 4000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो देखते हैं हमारे जो Realme X2 Pro है उसके अंदर कितना परसेंट चार्ज बचा हुआ है। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो हमारे Realme X2 Pro में सेम गाइस आपको 7% ही चार्ज बचा हुआ है। तो इसका मतलब कि गाइस लास्ट में जो OnePlus 70 है वो बैटरी बैकअप अच्छा दे रहा है। तो अब देखते हैं गाइस कौन सा फोन आखिरी दम तक कितना टाइम तक बैटरी बैकअप दे पाता है। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो 5 घंटे 4 मिनट हो गया है एंड मैं हमारा जो OnePlus 70 है उसके अंदर गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ 6% चार्ज गाइस मौजूद है। आप देख सकते हो मैं आपको ये देखिए गाइस 6% चार्ज मौजूद है इसके अंदर अभी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब देख लेते हैं गाइस जो हमारा Realme X2 Pro है इसके अंदर कितने परसेंट चार्ज रह गया है। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो इसके अंदर भी गाइस 6% चार्ज मौजूद है, इसका मतलब कि गाइस बिल्कुल सेम है। तो चलिए देख लेते हैं आप कौन सा फोन कितने टाइम तक रन कर पाता है।
तो जैसे गाइस आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा Realme X2 Pro है इसके अंदर गाइस सिर्फ अभी बचा हुआ है 2% चार्ज। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस इसके अंदर अभी सिर्फ गाइस 1% चार्ज मौजूद है। आप देख सकते हो जो टाइम है अभी गाइस, देख सकते हो गाइस हमारा जो Realme X2 Pro है वो स्विच ऑफ हो गया है। एंड अभी तक जो OnePlus 7T है उसके अंदर गाइस अभी भी चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी भी गाइस इसके अंदर आप देख सकते हो 4% चार्ज मौजूद है। गाइस आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो OnePlus 7T है उसका बैटरी बैकअप जो हमारा Realme X2 Pro है उससे कम है। आपको OnePlus 7T में सिर्फ आपको 3800 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जबकि आपको Realme X2 Pro में 4000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। बट गाइस आप रिजल्ट देख सकते हो, अभी भी OnePlus 7T में चल रहा है। देख सकते हो 5 घंटे 30 मिनट हो गए हैं एंड हमारे OnePlus में अभी तक गाइस 2% पर चार्ज मौजूद है। इसका मतलब कि गाइस अभी भी ये फोन चल रहा है। Realme X2 Pro तो कब का स्विच ऑफ हो गया, देखते हैं गाइस ये फोन कितना देर तक और चल पाता है। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो हमारा जो OnePlus है वो 5 घंटे 42 मिनट तक चला है, यानी कि गाइस Realme X2 Pro से 24 मिनट एक्स्ट्रा चला है हमारा OnePlus 7T। गाइस यही है डिफरेंस सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के अंदर। आप देख सकते हो जो हमारा OnePlus 7T है उसके अंदर 200 mAh कम बैटरी बैकअप है Realme X2 Pro के तुलना में, बट फिर भी गाइस वो 24 मिनट तक एक्स्ट्रा चला हमारे Realme X2 Pro के तह। तो इससे गाइस समझा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा जरूरी है बैटरी मैनेजमेंट के लिए। गाइस देखिए अभी एक चीज गाइस आपको कहना चाहूंगा, ये जो OnePlus 7T है इसको मैंने चार्ज किया था हमारा जो Realme X2 Pro के साथ सुपर बुक का जो 50 वाट का चार्जर आता है उसके साथ, एंड इसको चार्ज किया था वर्चुअल 30T के साथ। और गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक गाइस आपको ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और गाइस इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सा भी सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं 100% गाइस सारे के सारे कमेंट के रिप्लाई जरूर करूंगा। तो गाइस वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।